राधे राधे सभी भाइयों ने, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के नहीं, शाम के बोल सकते हैं, पर धूप निकल रही है आज तो। 4:14 हो रही है और मैं कहीं जा रही हूँ भाई, मेरे को किसी से मिलना है जाके। और कहाँ जा रही हूँ मैं, ज़रा मुझे अल्फा में कुछ काम था और कल मेरा कॉलेज बैग, मेरे को थोड़ा जल्दी आना था तो मैं छोड़ के आ गई थी। मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया तो मैं अपने दोस्तों से अपना कॉलेज बैग भी लेने जा रही हूँ। और धूप बहुत तेज़ हो रही है आज, और भाई लिफ्ट भी आ गई चलो टाइम पे। ये सबसे अच्छा काम हुआ जो कि बहुत ज़्यादा देर लगा देती है। One hour later. तो गाइस मैं आई थी लोना से मिलने और इन दोनों ने मेरी गाड़ी में करा दिया पंचर। अब लग रहा है पंचर भाई, सिर्फ मेरे को थार जमती है। अगर मैं थार से अलग कोई भी गाड़ी लेके जाऊँ मेरे साथ सीन जरूर होता है, पंचर या कुछ ना कुछ होना जरूर है, खराब होगी। और आज इसमें होगा पंचर, देखो 5 मिनट में। तो गाइस मैं जहाँ पे गई थी और मैं आ तो गई यार, लेकिन मेरी मम्मा की हो गई यार तबीयत खराब, और भाई अभी उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। और यार मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं चली गई, मुझे जाना नहीं चाहिए था। बट यार मैं जब गई थी मेरे को मिलना था किसी से, और मेरे को अपना कॉलेज बैग भी लेना था, और फिर दूसरा चीज़ उन लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब कुछ खाया पिया, मैंने बस चाय पी थी। पर यार एक मतलब ये था, मैं अपनी वीडियोस वगैरह शूट करने लगी थी, क्योंकि यार जब रेडी होके गई थी तो वीडियोस और फोटोज वगैरह क्लिक करने बहुत ज़रूरी थे, तो इसलिए मैं रुक गई थी। और यार अब मम्मी की हो गई इतने में तबीयत खराब, बस मम्मी को लेके जाना है, मैं उनसे सॉरी बोलती हूँ इस चीज़ के लिए। भाई बस मम्मी को जल्दी से दिखा के लाती हूँ डॉक्टर के पास से। सो गाइस मेरी मम्मी आ गई। मम्मी आओ बैठो, लग गई आपके यार मम्मी मुझे तो लगता है अब आप थोड़े बुढ़े हो गए हो, आप जल्दी जल्दी बीमार होने लगे हो, आप मेरी ऐसे हिम्मत तोड़ रही हो, सच्ची बता रही हूँ मम्मा। मम्मी कुछ तो बोलो, मेरे परेशानी हो रही है, मेरे यूट्यूबर आपको बहुत चाहते हैं। मम्मी आप थोड़ा सा पीछे होके लेट जाओ, ठीक है, आराम से, बस मैं आपको लेके जाती हूँ। मम्मी मैं ना सच्ची में वीडियोज वगैरह बनाने लगी थी, मैं इसलिए लेट हो गई, सॉरी मम्मा। बोलो इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, मुझसे कुछ ना बोला जा रहा है इस सच में। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलती हूँ। अगर आपको एडमिट करने का हो तो एडमिट कर देंगे, है ना, वहाँ पे आराम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन की परेशानी ही सही। तो गाइस मैंने अपनी मम्मी को दिखा दिया है, अब थोड़ा सा इनको आराम पड़ गया, इंजेक्शन लगाया था मम्मी आपके, इनकी ECG हुई, शुगर टेस्ट हुआ, BP हुआ, बस ये शुक्र है ECG शुगर टेस्ट नॉर्मल आया है और BP बढ़ा हुआ है। यार इतनी सी दिक्कत से भी ना मेरी मम्मा ठीक हो जाए मेरे लिए इतना ही बहुत है ना मम्मी, बस 4-5 दिन रेस्ट कर ले और ठीक हो जाए, बस मेरे लिए तो इतना बहुत है। पर हवा बहुत तेज चल रही है मम्मी, अब आप चल के ना कपड़े चेंज कर लेना क्योंकि हॉस्पिटल में लेटे थे ना। चलो मम्मी आओ, मैं गेट खोलती हूँ आपके लिए, अब मैं ही आपको गेट खोल के बैठाई करूँगी, ठीक है। आप मम्मी थोड़ी थोड़ी सी बोलती रहो बस, मतलब मेरा व्लॉग बनवाती रहो थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। लो इसको पकड़ो आप, ये बटुआ पकड़ो अपना, और इसको फोन को पकड़ना जरा, ये लो इतना आप फोन चलाओ, ठीक है मैं आती हूँ उधर से। The next morning. तो गाइस गुड मॉर्निंग, कुछ ऐसे हुई है हमारी कि मम्मी की दवाई ली है और भाई अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें हो रही थी सुबह सुबह वॉमिटिंग। और पता है ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे घर में कोई बीमार हो ना, ज़्यादातर मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे नींद ज़रूर आएगी जब ज़्यादा, वैसे उठ जाऊँगी टाइम से और वैसे ज़रूर आएगी नींद। तो मम्मी मैं गर्म पानी लाती हूँ आपके लिए करके, है ना। गर्म पानी बेटा, एक दो बिस्कुट भी दे दी जिससे कि दवाई खाऊंगी ना। बिस्किट ठीक है दे रही हूँ। खोलो मम्मी, ऐसे खोल लियो जैसे जारा की पैकिंग खोल लियो, आराम आराम से। मम्मी आप ज्यादा सूदे हो, बहुत ज्यादा सीधी हो आप, फाड़ दो इसको। बस इसमें रखी रहेंगी ना। ये सुबह तो सूंघने का भी दे दिया है, सूंघने का भी दे दिया है, लाओ दो। ये सूंघने का भी आ गया है भाई मम्मी के लिए इनहेलर। सही है यार, हमारे यहाँ पे था भी नहीं इनहेलर, सबके पास एक अपना अपना इनहेलर होना चाहिए, और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आता, सही है इसका प्राइस भी। तो सब लोग सर्दियों में ले लो भाई एक एक, और नाम लिख लिया करो इस पे।
मैं सारी दवाई खा लेना बाबा टाइम पे, ठीक है? बस इतनी दवाई है और कितनी मंगवा रही? ओके खाओ, दो दो दो। मैं देखूंगी ना कितने की है, एक मैं देखने कितने की है। अभी ये पता नहीं टीचर बन गए चश्मा लगा के क्या क्या देखेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही है इनकी बात। क्या देखोगी? ये देखूंगी कि इसने ये डोलो ही है, शायद डोलो ही है। मैं बता देती हूँ क्यों आंखों पे जोर डाल ली हो, कितने रुपए की लगाया है पता? ये देखूंगी ना। घटना मेरे साथ ही घटनी होती है। कल पंचर लगवाया था इसमें, इसका ट्यूब फट गया था, बट मुझे मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था, जल्दी आना था, इस वजह से मैं तब टेम्परेली करा के आ गया। और फिर से देखो भाई टायर की कंडीशन क्या हो गई है। अब मैं इसकी ट्यूब बाद में डल जाएगी, इसमें जो इसका दूसरा टायर होता है ना वो था, तो वही चेंज करा रही हूँ। कितनी धोखाधड़ी दिखाता है ये, ऐसा लग रहा था मुझे से लोहे का हो, और ये सच बता रही हूँ फॉइल पेपर का है, और इस पर बस ब्लैक कलर कर दिया। मैं सोच रही थी और कितना हैवी है ये, भैया ने कैसे उठा लिया। ये बहुत हल्का सा है और बस ये फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर कह रही हूँ नहीं, क्या बोलते हैं, थर्माकोल, थर्माकोल है ये। बताओ यार कितना बुद्धू बनाने लगे हैं आजकल भाई। मेरी मम्मी को आराम नहीं हुआ था, और ये देखो भाई वापस से हमें हॉस्पिटल आना पड़ा, और अब डॉक्टर ने दवाई चेंज कर दी है। वैसे एडमिट तो नहीं कराता, बोल दिया था एडमिट जैसी कोई बात नहीं है आपको, सही है? ठीक है। मम्मी तो बहुत क्लीन होता है यहाँ पे, चलो सही है क्लीन। अच्छा चाय पीनी है भी आपको, घर जाके पी? घर जाके पी बेटा, यहाँ की ना अच्छी लगेगी। ठीक है तो घर जाके पी लेना। अब मैं मम्मी को बस घर लेके जा रही हूँ। मैं ये सोच रही थी यहाँ पे स्मेल कैसे आ रही, थिनर की स्मेल आ रही है इसकी वजह से। आप फेस पे वो रख लो वरना और दिक्कत होगी आपको। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, और वैसे इस हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है। और ये देखो भाई क्लीन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। आपको चाय बनाऊंगी, आपके बहुत खासी होगी, आप ना एक काम करना मलाई खिला दूंगी, तो मैं है ना सफाई हो जाओगी थोड़ी सी। सो गाइस अब मेरी मम्मी को थोड़ा सा रिलीफ हो गया है, मुझे भी इस बात से बहुत खुशी हो। और आज मैंने कोई सफाई वफाई नहीं करी है, सिर्फ अपनी मम्मी का ख्याल रखा है ना मम्मा, बोलो कुछ। और भाई अब मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ टेस्टी सा खाना बनाने वाली हूँ। तो मैं क्या बनाऊँ आपके लिए? कुछ अच्छा बताओ। कुछ ना पता मुझे इस टाइम, कुछ भी नहीं पता आपको? मम्मी मेरा व्लॉग तो कंप्लीट कराओ, कुछ तो बोलो। ना बोला जा रहा, बिल्कुल ना बोला जा रहा मम्मा, कुछ तो बोलो। पता है मुझे हो रहा है, मेरे पानी के ठंडे हाथ हो रहे हैं इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रही। चलो मैं बर्तन मांजती हूँ पहले, फिर आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। सो गाइस मेरी मम्मी अब थोड़ी सी ठीक हो गई है, क्यों? क्योंकि अब इनकी दूसरी बेटी आ गई है इनके पास, इस वजह से। ये देखो मेरी बहन आ गई है और बैठ के बात कर रही है मम्मी, और अब मम्मी को थोड़ा सा आराम है ना। मम्मी आप अपनी दूसरी बेटी को देख के खुश हो गई हो ना थोड़ी सी, इसी वजह से ना आपको याद आ रही थी ना। तो दीदी को मैंने फोन करा था, दीदी आ रही थी ऑफिस से, मैंने कहा दीदी प्लीज आप आ जाओ, और दीदी डायरेक्ट अपने रूम पे भी नहीं गई, फ्लैट पे भी नहीं गई, डायरेक्ट ही आ गई। तो मुझे ये दीदी की बात बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दीदी ने बहुत अच्छा करा। अगर दीदी नहीं आती ना तो मैं मामा से फ़ोन करके कहती हूँ, मैंने कहा दीदी आई नहीं है, पर दीदी ने शिकायत का मौका ना दिया और मेरी मम्मी को आके ठीक कर दिया है ना मम्मा। दीदी जादू करा कुछ या क्या करा? प्यार है मेरा, हाँ हमारा बुआ भतीजी का प्यार है। तो गाइस हम मिलते हैं कल नए नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे कल कहीं जाना है उसके लिए मुझे जल्दी सोना है। तो तब तक के लिए बाय बाय इन सभी भाइयों ने, राधे राधे, और लाइक कर देना, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। गुड नाइट।